चलिए आइए हम आप शुरू करते हैं आपका आज का आपका पहला एक्सरसाइज है 1.1 का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है जिसे आप पी एम पॉइंट क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो आपका क्या कहलाता है रैशनल नंबर। आपकी बुक में आपका डिफिनेशन है जैसे कि आपका कोई जैसे आपने पी एम पॉइंट क्यू के रूप में किसी भी नंबर को राइट कर दिया है तो हमारा क्या कहलाएगा रैशनल नंबर कहलाएगा। जैसे 1/2 आपका क्या है रैशनल नंबर है, 3/4 आपका क्या है रैशनल नंबर है, ये सब क्या है आपके रैशनल नंबर है। आपका 1 क्या है रैशनल नंबर है, यस आपका 1 रैशनल नंबर है। अगर हम 1 नीचे 1 लिख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा पी एफ पान क्यू के फॉर्म में हो जाएगा, इसलिए हमारा ये सब क्या हो जाएंगे रैशनल नंबर हो जाएंगे। तो ऐसा नंबर जिसे हम पी एफ पान क्यू के रूप में राइट कर सकते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा रैशनल नंबर कहलाएगा। दूसरा है आपका क्वेश्चन राइट एनी 3 एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। आपको 3 पॉजिटिव रैशनल नंबर और 3 नेगेटिव रैशनल नंबर बताना है आपको। कोई भी आप 3 पॉजिटिव रैशनल नंबर लिख दीजिए, कोई भी आप लिख दीजिए 1/2, 3/4, 9/6 ये सब आपके क्या है पॉजिटिव रैशनल नंबर है ना। आप कुछ भी पॉजिटिव रैशनल नंबर लिख दीजिए, ये आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर है ना। जैसे 1 आपका हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये सब आपके पॉजिटिव रैशनल नंबर है ना। अगर निगेटिव पूछेगा तो हम क्या करेंगे -1/3, 2/4 लिख देंगे बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। ये पॉजिटिव हो जाएगा रैशनल नंबर आपका, ये आपका निगेटिव रैशनल नंबर हो जाएगा। कोई भी 3 पॉजिटिव रैशनल नंबर आप लिखिए, चाहे 1/2, 3/4, 9/6, 10/100 कुछ भी लिख दीजिए आप, वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए बस। नेगेटिव का होना चाहिए कि एक आपका माइनस हो जाएगा 1/3, -2/4, -3/6 ये आपके क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएगा, आगे माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा है क्वेश्चन आपका राइट द डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द सॉरी थर्ड है आपका क्वेश्चन इज देयर आर एनी रैशनल नंबर व्हिच इज नाइदर पॉजिटिव और नाइदर नेगेटिव। कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है आपका जो ना तो पॉजिटिव है और ना तो नेगेटिव है। तो जीरो है, जीरो आपका ऐसा रैशनल नंबर है जीरो, ना तो वो पॉजिटिव है और ना तो वो क्या है ना तो वो पॉजिटिव है और ना ही वो क्या है नेगेटिव है। जीरो आपका क्या है ना तो पॉजिटिव है और ना तो वो नेगेटिव है। जीरो एक ऐसा नंबर है जो आपका ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ये सही है ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। जो आपका रैशनल नंबर दिया हुआ है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको अलग अलग लिखना है। तो ये देखिए 3/5 है तो आपका इसमें आपका ये 3/5 हमारा रैशनल नंबर है यस, क्योंकि ये हमारा क्या है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ये हमारा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये हमारा रैशनल नंबर के रूप में है। इसमें कह रहे हैं कि इस रैशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको अलग अलग लिखना है। तो आपको पता है 3 आपका क्या है, 3 आपका क्या है न्यूमरेटर है और आपका 5 के डिनोमिनेटर कितना है आपका 5 है। बस सारे नंबर्स को आपको अलग अलग करना है, इनको ये बताना है कि आपका न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है, और अदरवाइज इसमें कुछ नहीं पूछा है, बस आपसे न्यूमरेटर ही डिनोमिनेटर पूछ रहे हैं कि कौन न्यूमरेटर है कौन डिनोमिनेटर है। देखिए इसमें क्या है आपका न्यूमरेटर कितना है, इसमें न्यूमरेटर आपका क्या है -2 है और इसमें आपका डिनोमिनेटर कितना है 3 है। सारे जो उसके बाद जो नीचे तीसरा 3, 4, 5 लिखा हुआ है उसको बस ऐसे आपको लिखना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीजर्स एज रैशनल नंबर्स। जो आपका यहाँ पर इंटीजर्स दिया हुआ है उसको रैशनल नंबर के रूप में आपको लिखना हुआ है। देखिए पहला क्या है आपका 2 है, दूसरा आपका क्या है -15 है, इसको आपको किस में लिखना है रैशनल के फॉर्म में लिखना होगा रैशनल नंबर के फॉर्म में। तो रैशनल नंबर के फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे किसी को, जब वो पी अपॉन क्यू के रूप में रहेगा तो वो हमारा क्या कहलाता है रैशनल नंबर कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ पी दिया है, क्यू का मान नहीं दिया है,
इसको आपको रेशनल नंबर के रूप में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, टू के नीचे अगर हम यहाँ वन लगा दें, अगर हम टू के नीचे वन, टू के टू टू अपान वन कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी अपान क्यू के रूप में हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर के रूप में हो जाएगा। तो बस इसको हमें रेशनल नंबर के रूप में लिखना है हमें। यहाँ पर देखिए ये दूसरा है माइनस 15 है, इस माइनस 15 के नीचे अगर हम यहाँ पास 1 लगा दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर के रूप में हो जाएगा ना, ये हमारा पी अपॉन क्यू के रूप में हो जाएगा। ये सिर्फ अभी पी के फॉर्म में दिया है, यहाँ पास देखिए क्यू नहीं दिया है, ये पी दिया है बट यहाँ पास क्यू नहीं दिया है, तो हमें क्यू के नीचे क्या लिख देंगे, 1। जब हम ये 1 लिख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी अपान क्यू के रूप में, और पी अपान क्यू के रूप में जब कोई नंबर लिखा जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। आपका क्वेश्चन नंबर है 4। इन द फॉर्म ए अपान बी आपका रेशनल नंबर, ए अपान बी आपका कोई रेशनल नंबर है, वाई इज देयर इज रिस्ट्रिक्शन दैट बी नॉट इज इक्वल टू 0। ये कह रहे हैं कि क्यों जो वो है, रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है नियम, रिस्ट्रिक्शन मीन्स क्या होता है, आपका नियम होता है, रूल होता है, क्यों ये बी नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्यों ये पूछ रहे हैं कि ये बी नॉट इक्वल टू 0 होता है। बी नॉट इक्वल टू 0 इसलिए होता है, जैसे आपका रेशनल नंबर फार्मूला होता है कि पी अपान क्यू होता है ना, उसके आगे लिखा रहता है क्यू नॉट इक्वल टू 0, Q not is equal to 0, ये जो Q है हमारा कभी भी क्या होगा, 0 नहीं होगा, ये जो Q है ये Q हमारा क्या होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो जाएगा Q हमारा, तो ये क्या हमारा रैशनल नंबर होगा, तभी हमारा रैशनल नंबर का फॉलो नहीं करेगा। जैसे हमने यहाँ पास 3/0 लिख दिया, 3/ हमने 0 लिख दिया, तो ये क्या रैशनल नंबर होगा, नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पास ये कह रहे हैं कि Q not is equal to 0 हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो जो है हमारा रूल को सेटिस्फाई करेगा, रेशनल नंबर के रूल को सेटिस्फाई करेगा, P upon Q के रूल को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हम यहाँ पास Q not is equal to 0 या B not is equal to 0 लिखते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न दिया हुआ है ये कि B not is equal to 0 हम क्यों लिखते हैं, अगर हम B equal to, जैसे A upon B दिया है, अगर हम a अपान b की जगह, अगर हम b की जगह 0 लिख दें, अगर हम a अपान b की जगह 0 लिख दें, तो ये क्या हमारा रेशनल नंबर को फॉलो करेगा, नहीं करेगा, ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर को फॉलो नहीं करेगा। रेशनल नंबर आपका नोमिनेटर 0 हो जाए चलेगा, पर डिनोमिनेटर जो है आपका, ये जो b है जो आपका डिनोमिनेटर है, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए वो कह रहा है कि अगर वो 0, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे रूल को सेटिस्फाई करना चाहिए रेशनल नंबर को। पांचवा देखिए आपका ट्रू फॉल्स है, ये आप अपने इस करेंगे, आर इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, सभी इंटीजर्स क्या आपके रेशनल नंबर हैं, यस, ये आपका जो सारे इंटीजर्स होते हैं वो आपके इंटीजर्स, हमने आपको बताया था इंटीजर्स में क्या क्या आता है, होल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आते हैं, और आपका 0 आता है, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। तो ये जो ये इसके अकॉर्डिंग जितने भी सारी चीजें आएंगी, ये वो सब क्या कहलाएंगे, आपके इंटीजर कहलाएंगे। तो ये कह रहे हैं ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, यस, सभी इंटीजर्स हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। जैसे आपका मान लीजिए 2 आपका दे दिया, पूछेगा 2 आपका रेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे यस 2 हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। जब हम 2 को 2/1 से कहते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, पी अपान क्यू के रूप में हो जाएगा, तो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप पांचवा का सारा ट्रू फॉल्स है, सारा आपके बुक में दिया हुआ है, उसको आप वैसे करेंगे, समझ के जो नहीं आए बताएंगे। हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं, 6 देखिए आपका, विच आर द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन, कौन कौन सा आपका फ्रैक्शन है, क्वेश्चन नंबर 6 में कौन कौन सा आपका फ्रैक्शन है। देखिए आपका पहला फ्रैक्शन है 2/3 के रूप में फ्रैक्शन है, दूसरा आपका फ्रैक्शन है -4/9 के रूप में, तीसरा 105/2/71 फ्रैक्शन है, चौथा -3/-2, ये आपका फ्रैक्शन नहीं है।